वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है? तो अभी 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में यह डिसीजन लिया गया कि 7 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाएगा। नीले आसमान के लिए जो क्लीन एयर है इसकी इंपोर्टेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अब से हर साल 7 सितंबर को यह इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाएगा। अब यह इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जो भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज किस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो कश्मीरी, हिंदी और डोगरी, इन तीनों को ही जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में जोड़ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है, अभी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में 5 भाषाएं जोड़ी गई हैं, यानी कि 5 आधिकारिक भाषाएं बनाई गई हैं। अब वो 5 कौन सी हैं? 3 तो यही हैं, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और 2 हैं इंग्लिश और उर्दू। इस तरह से जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं डिक्लेयर की गई हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात है, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और एक है दच्चीगाम नेशनल पार्क। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप जम्मू कश्मीर से याद रखिए। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी है और इसी से लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो एक नेशनल पार्क है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हेमिस नेशनल पार्क। पहले इसका आंसर होता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये लद्दाख में पड़ता है। तो अब अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि हेमिस नेशनल पार्क कहां है, तो आप बताएंगे लद्दाख में। अच्छा, जम्मू कश्मीर में अभी खीर भवानी मेला बनाया गया था और एक और मेला है राउफ मेला, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकेश गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं वेंकेश गुलाटी और एनी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019, इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताऊं तो व्यापार करने में कौन सा राज्य कितना ज्यादा सुगम है, यानी कि व्यापार सुगमता का यह इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, इसमें आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, यूपी सेकंड नंबर पे है और तेलंगाना थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। और जो प्रेजेंट टाइम पे हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने इस रैंकिंग को जारी किया है। तो आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर है, तो मैप में देख लीजिए, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल मैंने आपको बताई थी, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल
ज्यूडिशियल कैपिटल है। तो 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में 3 नई योजना शुरू हुई है। एक है आसरा योजना, एक है संपूर्ण पोषण योजना और एक है विद्या कनुका योजना। तो ये 3 नई योजनाएं आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये जो स्लम एरिया होते हैं, यहाँ पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए थे। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांदे की कार्यक्रम शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू हुई और आंध्र प्रदेश में निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉनी बक्सी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जॉनी बक्सी ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जॉनी बक्सी, ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये नई कृषि पर्यटन नीति लाई गई है। इसका पर्पज क्या है? पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना, कृषि उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना, कृषि संबद्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करना और लोगों को रोजगार देना, ये इसका पर्पज है। अब महाराष्ट्र की बात है तो मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। अभी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। और इस बुक को लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। गिरीश कुमार ये एक जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने इस बुक को लिखा। और अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट प्लेटिना ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। मी अन्नपूर्णा योजना ये भी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस नृत्य है लावड़ी नृत्य, ये भी याद रखना है। और महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील अभी चर्चा में है इसलिए आप याद रखिए, लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो अभी यूएई प्राइवेट सेक्टर के लिए पितृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव, एक मैटर्निटी लीव होता है और एक होता है पैटर्निटी लीव, यानी कि पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, लेडीज को मैटर्निटी लीव दी जाती थी, अब बच्चों की देखभाल के लिए पहला अरब देश बन गया है यूएई, जो पिताओं को यानी कि जो फादर्स हैं उनको भी पैटर्निटी लीव देगा। अब यूएई की बात है तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? तो कैलिडोस्कोप ये एक प्रोडक्ट डिजाइन फर्म है, इसका अधिग्रहण कर लिया है इंफोसिस ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अधिग्रहण इंफोसिस ने किया, तो इंफोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? नंदन नीलेकड़ी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? सलिल पारेख। कौन है? सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी पियरे गैसली ने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पियरे गैसली, ये फ्रांस के हैं और अभी इन्होंने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के नया नाम क्या रखा है? तो पहले वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, तब से इसे वोडाफोन आइडिया कहा जा रहा है। अब इसने अपना नाम बदल के वी आई रख लिया है, वोडाफोन से वी और आइडिया से आई, तो वी आई अब नया नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में।
स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, स्पैरो पोर्टल। ये जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए है, प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और स्पैरो की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडोज। क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडोज। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयान वेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इयान वेल ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने अपने पूरे करियर में 118 टेस्ट मैच खेले, 161 वनडे इंटरनेशनल खेले और 8 T20 मैच खेले और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इसकी टैगलाइन है और इसको अभी दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अब दिल्ली ने शुरू किया है तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था। ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। पहला एबी चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खोला गया। दिल्ली में 5T प्लान लॉन्च हुआ था। दिल्ली में ऑपरेशन सेल्ड लॉन्च हुआ था और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों का वेतन 23% की कटौती का निर्णय लिया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 23% की कटौती का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और यह निर्णय कोरोना वायरस की वजह से लिया गया है। अब गुजरात की बात है तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले पूरे देश में नंबर वन पे है और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं? इन गन से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई थी और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गुजरात में नल सरोवर लेक है। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो अभी कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन कर दिया है और इस संशोधन के बाद मासिक न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि की गई है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये डिसीजन कतर का है तो मैप में देखिए, ये है कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य ने शुरू की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।